आज अगर हमारे पड़ोसी मुसलमान है तो आज हमें कौन आएगा? अगर हमारे कुछ होता तो हमें कौन आएगा? हमें हमारे पड़ोसी ही बचाने आते हैं ना, तो हम हिंदू मुस्लिम करके क्यों मरे, उनके बहकावे में क्यों आते हैं हम लोग? हमें तो अपने दिमाग से सोचना चाहिए। हम सभी जनता से यही कहेंगे कि आप अपने दिमाग से चलिए, इन लोगों के साथ चलेंगे तो देश बर्बाद होने ही होना है। तीन चाणक्य हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हमारे कलयुग को नाश करने वाले हैं। ये तड़ीपाल हैं, ये जो मोटा गेंडा है ये गुजरात का तड़ीपाल है, और ये जो है हमारे देश को विध्वंस कर देगा, आग लगा देगा। तो जैसे एक पागल हाथी और शेर जंगल में छूटते हैं तो उनके लिए क्या किया जाता है, बुलाया जाता है फॉरेन उसको कि इसको गिरफ्तार करो। क्या कौन सा जाल आए, कैसे आए कि ये मदमस्त जो हाथी घूम रहे हैं हमारे संसद और देश को बर्बाद कर रहे हैं। जो संसद भी है वो भी हम लोग के द्वारा है, हमारे लिए है। ये वहाँ पे मेरे नौकर हैं, हमारे देश का काम करें। ये सारी जनता को कभी कोई आग लगा देते हैं, कभी कोई आग लगा देते हैं। प्रधानमंत्री देश का झूठ बोल रहा है, उसके लिए पत्रिकाएं देश विदेश में डंका बज रहा है, हाय हाय मोदी, कुत्ता मोदी, घर घर मोदी, घर घर कुत्ता, ऐसे करके लोग मोदी के लिए भाषण कर रहे हैं। मोदी को क्या अच्छा लगा रामलीला मैदान में जो उन्होंने कहा कि नहीं एनआरसी कुछ नहीं है और ये शब्द ही नहीं हुआ है, जो हम लोग दिखा रहे हैं वीडियो। प्रत्यक्ष अमित शाह जिंदा गैंडा की तरह बैठ खड़ा होके उस सत्य प्रतीक हमारे भवन में इतने लोगों के सामने वो बोल रहा है कि एनआरसी लागू होगा, पहले सीए होगा। लेकिन उस अनपढ़ को जो जिसका बेटा जो इतना बड़ा अरबपति हो गया, इस मंदी में, इस लाचारी में, लोग खाने को भुखमरी में, उसके बेटे का इतना बड़ा व्यापार चढ़ गया कि समझ में नहीं आता है कि सारा उन्हीं लोग की तरफ है। जब घर से आप नोट निकाल सकते हैं, जो महिलाएं बुजुर्ग अपने घर में रखी थी, रख के एकदम छुपा के, जिसका किसी को नहीं मालूम था, उसको निकाल लिया, तो क्या ये पब्लिक जो आपकी, आप कह रहे हैं घुसपैठिया घुसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए? मुझे मालूम है इसमें बहुत बड़ी चाल है। इन लोगों ने जो देश के साथ गंदी राजनीति चली है, इनका तो वो होगा कि शायद ही कोई इनके तरफ देखेगा। और बीजेपी अब तो जाएगी तो आने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी जैसी भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। बीजेपी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। मोदी जी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। आज मैं बहुत उससे कर रही हूँ, जो लोग सड़क पे निकले हैं वो घर वापस नहीं जाएं, वो इस देश में एक ऐसा जाल डालें, घुस जाएं संसद में और संसद में जितने बलात्कारी हैं सबको निकाल दें। इज्जत से मोदी जी वापस चले जाइए आप। आप चाणक्य बुद्धि भगोड़े, आप जो अमित शाह जी है, आप तड़ी पार हैं, आप इसको कबूल करिए। वहां गोधरा कांड करके आए थे, 51 लोग तो को भेज दिया था एक दिन पहले, और बच्चों को, कागज बिनने वालों को आपने कार उसमें जला दिया था, ट्रेन में बंद करके, मुझे सब मालूम है। आज हमारे भारत देश को मत जलाइए, मेरे बच्चे बहन बेटियों को बचा लीजिए। हम बहुत परेशान है, इस उम्र में एक महिला कुछ करने नहीं आई, चीत्कार करने आई। हर महिलाओं जाग जाओ, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। हमारे देश को ये लोग बर्बाद करके छोड़ेंगे। एक मोदी, एक शाह, एक योगी, ये तीनों अंधेर नगरी चौपट राजा, ये सब पूरी देश पूरी जनता को गुमराह कर दिए हैं। और हमारी जनता भी भेड़ बकरियों की तरह जिधर वो हाँकते उधर चले जाते हैं। उनको सेंस, उनकी जो है होता है ना बुद्धि, हर लिया उनके साथ वही हुआ।